यूनिट नंबर थ्री है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यूनिट नंबर सेकंड में क्या पढ़ा हम लोगों ने, न्यूटन्स की इक्वेशंस पढ़ी थी, भी इक्वेशन ऑफ मोशंस भी जिसने दिया था कि बॉडी चलती कैसे है। यूनिट नंबर सेकंड थी काइनेमेटिक्स भी, मैंने आपको बोला मैकेनिक्स के तीन पार्ट थे मैकेनिक्स के भी, पहला स्टैटिक्स, बॉडी एट रेस्ट भी, ओके, फिर था काइनेमेटिक्स, बॉडी इन मोशन बट विदाउट रीजन भी, बट विदाउट ए रीजन, मोशन हो क्यों रहा है इसका कोई रीजन नहीं था वहाँ पे भी, हम बोलते बॉडी चल रही है, क्यों चल रही है कोई आंसर नहीं था मेरे पास। कर लोगे, अब पढ़ेंगे मोशन विद रीजन भी, इट इज कॉल्ड डायनेमिक्स भी। क्या पढ़ते हैं इसको, डायनेमिक्स के बारे में। मैकेनिक्स के तीन पार्ट हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और थर्ड है अभी डायनेमिक्स। ये मोशन ही पढ़ाएंगे आपको हम, बट विद रीजन्स भी। कर लोगे? तो न्यूटन्स ने लॉज दिए थे मोशन के बारे में अभी, कि मोशन कैसे कैसे हो सकता है। अभी तीन लॉ हैं, जिस दिन ये टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारी पूरी हो जाएगी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस दिन टॉपिक पूरा होगा हमारी यूनिट पूरी हो जाएगी कंप्लीट। थ्री ए में यही है सिर्फ। तो इसका फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं भाई, पहले तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी। देखिए हो सकता है बुक में कुछ टॉपिक पहले दे रखे हैं, कुछ बाद में दे, मेरा सीक्वेंस अलग होता है बुक से थोड़ा सा। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान पहले करूँ, उसके बाद थोड़ा मुश्किल पे थोड़ा मुश्किल से भी सिक्वेंसली चलता हूँ टॉपिक के हिसाब से भी। कर लोगे? मैं भी कुछ टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कराएंगे सारे टॉपिक्स भी, हो जाएगा। फर्स्ट है भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, लिख लीजिए, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखिए, इट स्टेट दैट एक ही वर्ड आता बार बार भाई एग्जाम्स में, स्टेट एंड एक्सप्लेन। आपको बोला जाएगी स्टेट दिस फार्मूला भाई, या स्टेट मतलब आपको सिर्फ देना डेफिनेशन उसका भी, लिखा जाए स्टेट एंड एक्सप्लेन तो पूरा होता ना उसके बारे में भी। समझ में आ रहा है विद डेफिनेशन से? तो लिखिए, इट स्टेट दैट ए बॉडी इन मोशन ऑलवेज रिमेन इन मोशंस भी। ए बॉडी इन मोशन ऑलवेज इन मोशन लिख सकते हो, ओके। ए बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट, ए बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट, ओके। इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, पढ़ा हुआ सभी ने नाइन्थ क्लास में, ठीक है। क्या है फसला, ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी भी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, कब तक, जब तक कोई बाहर से इस पर फोर्स ना लगे भी, यस और नो? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने क्या बताया आपको भी? देखो इससे पहले मैंने एक चीज़ लिखवानी थी मेरे को कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, और लिख लीजिए पहले तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि हम फोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं आपको सारा। तो फोर्स क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज फोर्स भी? हम बोलते हैं पुश और पुल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ऐसा नहीं है भी, लिख लीजिए, द पुल और पुश, द पुल और पुश ऑन द बॉडी which can change its position, shape and configuration भी, which can change its position, shape and configuration, को shape को ही बोलते हैं, and configuration भी, okay। फोर्स क्या होता है भाई? ये वो पुल और पुश है जो बॉडी की शेप पोजीशन या स्ट्रक्चर चेंज कर दे उसका भाई, शेप चेंज कर सकता है। कर लोगे? देखो व्हाट इज फोर्स, कोई पुछ ले कि बता कि मतलब कि फोर्स होता क्या है, किसने बताया पहली बार, न्यूटन ने बताया भाई न्यूटन फोर्स क्या है भाई। इसमें क्या लिखवाया गया पहले डेफिनेशन में, ये बोलता है कि बॉडी रुकी हुई तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, कब तक, जब तक कोई फोर्स ना लगे, अगर लगा दूं तो क्या होगा, क्या होगा, जो बॉडी रुकी हुई चल पड़ेगी, जो चलती है रुक जाएगी, यस और नो? यानी फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी की
पोजीशन चेंज कर रहा है, अभी स्टेट चेंज कर रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है? न्यूटन्स के तीन लॉ हुई, फर्स्ट लॉ देगा डेफिनेशन ऑफ फोर्स हुई, सेकंड लॉ देगा फॉर्मूला ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ देगा नेचर ऑफ फोर्स हुई। समझ में आया एग्जैक्टली तीन लॉ का मीनिंग क्या है? कंप्लीट फोर्स के बारे में बताना कि फोर्स क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट लॉ क्या देगा? डेफिनेशन देगा आपको, सेकेंड लॉ देगा फार्मूला, और थर्ड लॉ देगा नेचर क्या है फोर्स का भी, हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया आपको कि बॉडी अगर रुकी भी है तो रुकी रहेगी, चलती चलती रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक कोई फोर्स ना लगे उस पर, यस और नो? तो इसी टॉपिक में एक पॉइंट निकलता है अभी कि एक बेंच है, ये बेंच रुका रहेगा अभी, कब तक है? जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं, यस और नो? तो ये बेंच का प्रॉपर्टी है भाई, ये रुका रहेगा, इसकी मर्जी है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्सिया भी। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? इनर्सिया बोलते हैं। ये बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी कि मैं चलता चलता रहूँगा, रुका तो रुका रहूँगा, कब तक भाई? जब तक मेरे पे कोई फोर्स ना लगे, यस और नो? तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्सिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बनता है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ पूरा हो गया, अब इसके कुछ पॉइंट हैं, उसके बाद सेकंड शुरू करेंगे, उसके कुछ पॉइंट हैं, फिर थर्ड शुरू करेंगे, उसके कुछ पॉइंट हैं, पूरी हमारी। समझ में आया कि नहीं आया? एक साथ नहीं कराऊंगा तीनों को, बुक में एक साथ दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा। मम पहला पूरा करेंगे, उसके बाद सेकंड पूरा करेंगे, फिर थर्ड पूरा करेंगे, यूनिट पूरी हो जाएगी हमारी, कर लोगे? इसके बाद लिखिए इनर्सिया भी। इनर्सिया सुना हुआ है? इनर्सिया क्या होता है अभी तो लिखो भी क्या होता है। हमेशा इनर्सिया एक प्रॉपर्टी होता है बॉडी का भी। ये बेंच रुका हुआ है, ये इसकी मर्जी है, इस मर्जी का बोलते हैं इनर्सिया। समझ में आई कि नहीं आई? तो लिख लीजिए, लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इन विच बॉडी इन रेस्ट, इन विच बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट, बॉडी इन मोशन ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन अंटिल देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अंटिल देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये सिंपल लगता है फर्स्ट लॉ की तरह भी, बस मैं एक वर्ड यूज किया, इट इज द प्रॉपर्टी भी, कर लोगे? ये बॉडी का प्रॉपर्टी है कि बॉडी किस में रहेगा? रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा भी? कब तक भाई? जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, इट इज कॉल्ड इनर्सिया भी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी लिखिए टाइप्स ऑफ इनर्सिया भी, इसी में लिखिएगा आगे, टाइप्स ऑफ इनर्सिया। INERTI होता क्या? टाइप्स ऑफ इनर्सिया भी, तीन तरह का इनर्सिया हो सकता है। पहला पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन भी, इनर्सिया ऑफ मोशन, या रेस्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इनर्सिया ऑफ ए मोशन। सेकंड है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ ए रेस्ट। थर्ड है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन भी, इनर्सिया ऑफ ए डायरेक्शन। तीन तरह का इनर्सिया क्लास, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक एक पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट पकड़ते हैं इनर्सिया ऑफ मोशन भी, पहला पॉइंट लिखिएगा इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ मोशन क्या बोलता है? सिंपल है भाई, यहाँ पर सिर्फ मोशन की बात करेंगे हम लोग, रेस्ट की बात नहीं करेंगे। लिख लीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इन विच ए बॉडी इन मोशन, ए बॉडी इन मोशन ऑलवेज इन मोशन, ए बॉडी इन मोशन ऑलवेज इन मोशन
अनटिल देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अनटिल देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अनटिल देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यस और नो? जब हम टॉपिक पूरा करें आपको पूरा डेफिनेशन याद हो चुकी होगी, इतनी बार लिखवाएंगे आपको, कर लोगे? बॉडी मोशन में, तो मोशन में रहेगी, बॉडी की प्रॉपर्टी है भाई, कब तक रहेगी? जब तक बॉडी पे कोई बाहर से फोर्स ना लगे, यस और नो? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते कभी एग्जाम में, डिफाइन इनर्शिया ऑफ मोशन, ये पूछते हैं एग्जाम्पल दे के बताइए इसमें कौन सा इनर्शिया लग रहा है। एग्जाम्पल ये है कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, अचानक ड्राइवर बस का ब्रेक दबा दे, तो आपका मोशन कहाँ पे होगा भाई? आगे जा गिरोगे कि पीछे जाके गिरोगे? आगे जाके गिरते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि हमारा सिर आगे जाके लगता है सीट के ऊपर जाके भी लगता ना? ये सर ना, ऐसा क्यों हुआ भाई? देखिए बस चल रही है, तुम्हारी पूरी बॉडी बस के साथ किसमें है? मोशन में है भाई, ये सर ना? बस ने ब्रेक लगा दिया, बस तो रुक गई, तो हमारा लोअर सेक्शन बस के जो सीट पे बैठे आप लोग, वो किस में चाहेगा? अचानक रेस्ट पे आ जाएगा अभी, ये सर नो? लेकिन सिर को भी लग रहा है कि मोशन में हूँ भाई, उसमें कोई फोर्स लग रहा है अभी तक, ये सर नो? तो किस में रहने की कोशिश करेगा वो? मोशन में। अब उसमें फोर्स लग गया, सिर जाके लगा सिर पे सामने, तो रुक गया भाई, ये सर नो? कब तक नहीं रुकेगा वो? जब तक उसे फोर्स ना लगे। इमेजिन करो सामने सीट नहीं है, नीचे गिरोगे जाके सीट से भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलती बस से जम मार दो क्या होगा? मारी कभी? नहीं मारी। चलती बस से भाग कूद गए एकदम से भी, आज कूद के देखना, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? जब आप जम मारोगे ग्राउंड के ऊपर, आपके पैर लगेंगे, पैर फिटम किस पे आ जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे। लेकिन बॉडी पार्ट अभी किस में? आपका बस मोशन में है। कहाँ गिरोगे? आगे जाके गिरोगे, पीछे थोड़ी गिरोगे, आगे गिरोगे, यस और नो? समझ में आ रहा है? ये सारे एग्जांपल किसके हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं। बस पे सामान किसने लिखा होता है कि जो सामान रखा होता है बस के ऊपर, लगेज रखा होता है, उसको बांधते क्यों टाइटली? बस जा रही है, सामान भी जा रहा है, बस रुक गई, सामान फिर रुका है और बस के आगे जाके गिरेगा अभी, यस और नो? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। कर पाओगे? नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। राइट कीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इन विच बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट भी, बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, कब तक? जब तक बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगे भी, यस और नो? कोई एग्जांपल दीजिए मेरे को। आप बस में बैठे हुए हो, अचानक बस चल पड़े, क्या होगा? हम पीछे चले जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? अगर बस खड़ी है स्टार्टिंग में, हमारी बॉडी किस में है? रेस्ट कंडीशन के अंदर। बस चल पड़े तो हमारी बॉडी का लोअर सेक्शन किस में आ जाएगा? मोशन में। लेकिन अपर सेक्शन में भी किस में रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट पे। तो आगे निकल गया, तुम्हारा सिर पीछे रह जाता है, फिर हम पीछे लगते हैं जाके सीट के ऊपर, कर लोगे? यही होता है। अगर आप आम तोड़ने चले जाओ बाग में, तो टहनियों को जोर से लाते हैं हम लोग भी, यस और नो? इससे क्या होगा भाई? आपने फोर्स लगाया टहनी के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर फोर्सेज लगाया, ब्रांच तो हिलना शुरू होगी, लेकिन आम अभी किस में रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट में। और उनका जो बीच का बॉन्ड टूट जाएगा भी, और ड्यू टू ग्रेविटेशन नीचे गिर जाएगा। कितना आसान है फिजिक्स में आम तोड़ना भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर पाओगे? जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं नीचे, वही इस रीजन से गिरते हैं। हवा से क्या होता है, टहनियाँ हिलती हैं, पत्ते किस में रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट पे, क्योंकि उसे फोर्स कुछ लगा नहीं है, टूट जाएगा बॉन्ड, और पत्ता क्या करेगा? नीचे गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन भी। कर पाओगे? यस और नो? वही बात है कि सामान को टाइटली होल्ड करते हैं, लगेज को बस के ऊपर, बस अचानक चल पड़े, सामान कहाँ गिरेगा? जाके पीछे ही जाके गिरेगा भाई। तुम मैट पे खड़े हो, नीचे से किसी ने मैट खींच लिया पकड़ के भी, क्या होगा? तुम्हारे पैर तो इस मोशन में आ गए विद मैट, और सिर अभी रेस्ट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कैसे गिरोगे? ये सारे एग्जांपल किसके हैं भाई? इनर्सी ऑफ रेस्ट के भी लिख पाओगे? कोई एग्जांपल था ये क्या आएगा इसका, लिख सकते हो? या लिखवाऊं? नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन लिख लीजिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इन विच बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये बहुत बोलता जाता हमको कि बॉडी अपने आप में डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती भी, यस और नो? जब तक बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे। आप साइकिल पे जा रहे हो, इमेजिन करो बाइक पे जा रहे हो, नॉट साइकिल, बाइक पे जा रहे हो और ब्रेक फेल हो जाए भी, यस और नो? और आगे से भैंस आ जाए, बाइक के सामने भैंस आ जाए भी, अब क्या करोगे? ठोक देंगे सीधे भैंस में भी? या बाइक को बोलोगे मुड़ जा और तुम्हारी बात मान लेगी बाइक? जब तक आप स्टेयरिंग पे फोर्स नहीं लगाओगे बाइक नहीं मुड़ेगी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्शंस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी किसमें चलेगी? इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइंस भी। कर लोगे? यही रीजन होती है कि गाड़ियों के अंदर खिड़कियाँ होती हैं भी और विंडोज होती हैं भी। विंडोज कैसे करते हैं? आप गाड़ी को ट्रंस कर दो एकदम से, आप साइड में लगते हो लगे साइड में से, यस और नो? इमेजिन करो ओपन जीप में चल रहे हो और एकदम टर्न मार दिया, बाहर गिरोगे क्या जागे हो जीप से भी? समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्योंकि फोर्स जीप पे लगाया गया है मुड़ने के लिए, आप थोड़ी लगाओ तो किसमें जाने की कोशिश कर रहे होगे? स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रहे होगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लिखो। लिखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट गिव द अमाउंट ऑफ मोशन, इट गिव द अमाउंट ऑफ मोशन। कि एक बॉडी कितना चलेगी ये बताएगा आपको भी, इट गिव द अमाउंट ऑफ मोशन। इसको पी से लिखते हैं भी, इट इज कॉल्ड विद सिंबल ऑफ पी। पी क्या होता है? किसकी गुणा है? मास और वेलोसिटी की, मास एंड वेलोसिटी लिखा हुआ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सिंपल फार्मूला है मास एंड वेलोसिटी पी। यूनिट क्या होती है इसकी? मास की होती है किलोग्राम भी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या बनती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी भी, इट इज ए वेक्टर, वेक्टर क्यों है? वेलोसिटी वेक्टर होती है भी, और डायरेक्शन वेलोसिटी की मिलेगी पक्की बात है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी मिलेगी आपको भी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया? उसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई? डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो? मास का कितना होगा? m1, वेलोसिटी का l1 t-1 में, यस और नो? तो कितना हुआ? m1 l1 t-1, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम भी। कर पाओगे क्या भाई? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। एक और लिखी डेफिनेशन जो 9th क्लास में होती है, लिखिए द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। समझ में आया? मैं मान लेता हूं भाई, लेट लिख के, एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, भी मास ऑफ ए बॉडी, सही है। यू क्या है मान लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यस और नो? ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, बॉडी चल रही है तो ये पॉइंट होंगे जरूर उनके पास। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा भाई? इनिशियल मोमेंटम, उसको पी से लिखते हैं, पी वन लिख देता हूं यहां पे। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी भाई? इनिशियल वाली। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू पी टू ले लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल वाली एम वी। हमने फोर्स को लिखवाया बाय डेफिनेशन, ये लिखवाया है आपको अभी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज प्रोपोर्शनल टू किसके? फोर्स। बाय डेफिनेशन मैंने ये लिखवाया अभी आपको, द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सही है। चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो कैसे करोगे चेंज के लिए? फाइनल कितना है? एम वी। इनिशियल कितना है? एम यू बाई टाइम टी मान लेते हैं। प्रोपोर्शनल टू किसके? फोर्स के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मास कॉमन निकल सकता है। एम वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू के ले सकता हूँ, कॉन्स्टेंट एफ वी। इस साइन को हटाने के लिए क्या डाल दिया गया? कॉन्स्टेंट। कर पाओगे? यहाँ तक हो गया? के का वैल्यू कितना है? वन। कॉन्स्टेंट है अभी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ का वैल्यू। एफ कितना आएगा भाई? एम वी माइनस यू बाई टी। एक तो फार्मूला ये बनता है फोर्स का भी, ठीक है। एम वी माइनस यू बाई टी। एनी प्रॉब्लम भाई? आपको पता है कि वी माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन भी होता है भाई, सही है कि नहीं है? इसको लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या ले सकते हैं? एफ को मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लाने क्या दिया? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकंड लाने क्या दिया? फार्मूला ऑफ फोर्स, ओके। और थर्ड ला क्या देगा? डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सॉरी नेचर ऑफ फोर्स कर लोगे? दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट भी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लास याद रखिएगा। एफ इज इक्वल टू, मैंने जो बाय डेफिनेशन लिखवाया है, डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी, डी पी बाई डी टी। ये जो है ना डेरिवेटिव जो चेंज के लिए होता है, तो स्मॉल चेंज के साथ, स्मॉल टाइम के साथ भी। कर लोगे डी पी बाई डी टी। कई टॉपिक बनाइएगा यूनिट एंड डायमेंशन भी, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? फॉर्मूला बना दिया हम लोगों ने, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू वी एम इन टू वी माइनस यू बाई टी, या एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यस और नो? अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा निकाल सकते हो? फोर्स होता है भाई मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो? तो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स? भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा पहले ये निकाल लेते हैं। मास का कितना होगा? एम वन, एक्सेलरेशन का एल वन टी माइनस टू,
दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। समझ में आई बात है? निकालना था सभी को? अब करते हैं इसका यूनिट भी, ठीक है। दो तरीके से यूनिट डिफाइन किया जाता है अभी इसका। वर्क में मैंने बोला था एक एब्सोल्यूट होता है, एक ग्रेविटेशनल होता है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक क्या होता है ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट होता है फिक्स वैल्यू के साथ भी, और ग्रेविटेशनल होता है तो जी के साथ वेरी करता है, स्मॉल जी। क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज भी। तो दो तरह की हैं यूनिट में। पहला पॉइंट यूनिट में लिखते हैं, पहला पॉइंट एब्सोल्यूट यूनिट भी क्या होती है इसकी। इसमें दो तरह की हो सकती हैं। पहला पॉइंट एसआई यूनिट क्या होती है? ये यूनिट कौन सी होती है क्लास जो कभी चेंज नहीं होती इसकी भी, किसी भी कंडीशन में भी फिक्स होती है, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन्स होती है भी। क्या होती है? न्यूटन। इसको एन से लिखते हैं, कैपिटल एन में। कर लोगे? अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि वन न्यूटन फोर्स कितना होता है, कैसे करोगे? फार्मूला मेरे पास पड़ा हुआ है। फोर्स होना चाहिए वन न्यूटन्स भी। कब हो सकता है? जब मास कितना हो 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर भी। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊं, इसका मास कितना हो 1 किलोग्राम, बॉडी चल पड़े 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से, तो कितना फोर्स लगाया मैंने? 1 न्यूटन्स का भी। कर लोगे? डिफाइन कीजिए इसको। लिख दिया इतना भाई, लिखिए 1 न्यूटन इज दैट फोर्स। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स व्हेन वी अप्लाई, व्हेन वी अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास वन किलोग्राम एंड बॉडी मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बॉडी मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जो फोर्स 1 न्यूटन कब होगा? 1 किलोग्राम की बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देवे। कर लोगे? द फोर्स जो हुआ है इट इज 1 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकेंड पॉइंट इसका भाई, सीजीएस यूनिट कौन सी होती है? होती है डाइन भी। क्या होती है? डाइन, ठीक है। तो 1 डाइन फोर्स किसके बराबर होगा भाई क्लास? 1 डाइन फोर्स इज इक्वल टू किसके भाई? मास कितना होती है बॉडी का? 1 ग्राम। समझ में आ रहा है? सीजीएस में करना सारा। और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ओके, लिख लीजिए। 1 डाइन इज दैट फोर्स which produce a acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। समझ में आ रहा है? यस और नो? 1 ग्राम की बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा तो फोर्स कितना? 1 डाइन। इनमें रिलेशन होता है भाई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन के बराबर होता है। आपने फर्स्ट यूनिट में इसको प्रूव किया होगा भाई। ग्रेविटेशनल यूनिट करना है भाई। देखिए ये यूनिट डिपेंड करता है जी के ऊपर भी, स्मॉल जी के ऊपर भी। क्योंकि आपको पता है कि जी हाइट बढ़ने से घटती है, नीचे जाने से भी घटती है, शेप पे भी डिपेंड करती है, रोटेशन पे डिपेंड करती है। ये सर ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूनिट होंगी? पहला यूनिट लिख लीजिएगा, एसआई यूनिट क्या होता है इसका भी? इसका भी होता है एसआई यूनिट, होता है किलोग्राम फोर्स भी। किलोग्राम फोर्स, या इसको किलोग्राम वेट भी बोलते हैं भाई।
किलोग्राम फोर्स, इसको केजीएफ लिखते हैं, सुना गया तो मूवी देखिए नहीं देखिए, या किलोग्राम वेट भी केजीडब्ल्यू भी लिखते हैं इसको, किलोग्राम वेट तुम्हें याद होते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसका समझ में आई बातें। देखिए आप में हैबिचुअल होना किसी बात का, हैबिचुअल होना मतलब मैं तो पढ़ूंगी तो बुक्स के रट्टे मार लूंगी या याद कर लूंगी, ये चीज़ याद करने बैठा बोले बिल्कुल नहीं होंगे भी, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी हर जगह पे भी याद करने की आदत। आपने फ्रिज खोला है, फ्रिज बंद कर दिया, मम्मी पूछ ले कितनी चीज़ फ्रिज में रखी, बता मेरा सारी चीज़ें, अगर आपको याद हो तो आपको आती है भाई, ये चीज़ थी ये चीज़ थी, घर में कितनी चम्मच हैं पता होना चाहिए। पड़ोसी मांग के ले गया, दोस्त 20 चम्मच थी एक बची है, मांग के लिए पड़ोसी से वापस, पता होना चाहिए भाई, यस और नो, इसी को बोलते हैं। अब पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कई बार, बच्चा पढ़ता नहीं है सर, हम तो कुछ भी काम नहीं कर देते बच्चों को, यही इसलिए नहीं पढ़ता भाई, तुम कुछ काम नहीं करवाते बच्चों से। सर पूछा सर ऐसा क्यों, हम तो बच्चों को टाइम देते हैं, जिस बच्चे को आलस काम में कर दिया तो पढ़ाई में कैसे एक्टिव हो जाएगा, वो आलस ही बन जाएगा भाई, उसको एक्टिव रखिए, घर के काम करवाइए सारे, फिर बताइए पढ़ के देखा भाई, फिर पढ़ना ही पड़ेगा भाई, जो बच्चा घर के काम में एक्टिव है पढ़ाई में एक्टिव मिलेगा, आपको गारंटी है इस बात की।